कार, मैं हूं सुनील पाल, चेला ऑफ उदित नारायण, और आप सबका स्वागत करता हूं। हो कॉमेडी चैंपियन, और आप सब ताली बजाते रहिएगा। ऐसे ही हमारे उदित नारायण जी के बहुत फेवरेट कैरेक्टर है रतन नूरा जी, और मेरे भी हैं, हम सबके भी हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े स्टेडियम में एक प्रवचन का कार्यक्रम रखा गया था। बाबा अंधकार महाराज जी प्रवचन के लिए आने वाले थे, बाबा अंधकार महाराज जी प्रवचन के लिए आने वाले थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि जो प्रमोटर थे वो स्टेडियम के पीछे, और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ और स्टेडियम के पीछे बात कर रहे, मज़ा आ गया, बाबा जी आएंगे प्रवचन करेंगे, और स्टेडियम बिल्कुल पैक हो गया यार, मतलब 500,000 लोग टिकट खरीद के आए, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया। इतने में फ़ोन बजा कि बाबा नहीं आ सकते, उनकी तबीयत खराब है। उनकी तबीयत खराब का नाम सुनते इनकी हालत खराब, बाबा नहीं आ सकते, 500,000 लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अगर इन्होंने एक एक चमाड़ भी मारा ना तो हम 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी, क्या करें, हालत खराब थी। बाजू में एक गटर खुला था, गटर में से रतन नूरा जी की आवाज, कौन हो, परेशानी में हो भक्त जनो, बोले कौन है, बाबा हूं, इलाहाबाद में जल समाधि ली थी, बहते बहते यहां आ गया, बहुत पहुंचा हुआ बाबा हूं, डेली जल समाधि लेते रहता हूं। बोले आप प्रवचन कर सकते हैं, प्रवचन हो या बोल वचन हो, इलाहाबाद वाले सब में आ गए हैं, 500 रुपये तैयार रखो और कुछ इंतजाम, मैं अभी करके आता हूं तुम्हारा काम। बोले आप करेंगे, अबे हमारा नाम है रतन नूरा और काम करूंगा खत्म पूरा। अब 500,000 लोगों के सामने, भक्त लोगों के सामने प्रवचन करने के लिए रतन नूरा जा रहे हैं, पी के टाइट, जो बाबा है ही नहीं, पी के टाइट, मगर पैसे के लिए और 500 रुपए के लिए और जाम के लिए चले गए। ऊपर प्रमोटर भी घबराए, बाबा संभाले ना, बाबा लेकिन, और पब्लिक वहां चिल्ला रही है, भाई प्रवचन शुरू करो यार, लड़कियां भी चिल्ला रही, नहीं नहीं एकदम, ये जो लड़कियां थी ये वहां थी, वहां पर सब, वी वांट प्रवचन, वी वांट प्रवचन, वी वांट प्रवचन, वी वांट, बाबा आ गए वहां पर। भक्त जनो कैसे हो सालो, लोगों का सालो, कैसे हो, सालों के बाद आया हूं, कैसे हो प्रभु, बहुत अच्छे हैं, इधर बाबा आशीर्वाद रखो, आशीर्वाद रखो। भक्त जनो प्रवचन शुरू कर रहा हूं, जीवन क्या है, लोगों ने कहा क्या है, वही तो कह रहा हूं क्या है, जीवन क्या है, सिर्फ एक खंबा, खंबा, लोगों ने कहा खंबा, बाबा खंबा, खंबा मतलब पीने की बात कर रहे हैं आप, ये साला लाल शर्ट वाला बहुत बोल रहा है, इसके लाल शर्ट के साथ साथ इसके बदन को भी लाल कर दूं तो तब मानेगा। अब एक खंबा मतलब लकड़ी, कितनी जरूरी है लकड़ी, वो कव्वाली नहीं सुनी है, देख तमाशा लकड़ी का, देख तमाशा लकड़ी का, बचपन से लेके बुढ़ापे तक काम आती है, जब तुम थक जाते हो तुम्हें जलाने के काम आती है लकड़ी, इसलिए सब लोग मेरे साथ बोलो खंबा खंबा जय मां रंभा।
तुम तैयार रहना आशीर्वाद के साथ। भक्तजनों, वैसे तो अध्यात्म में हम लोग जी रहे हैं और प्रवचन में कर ही रहा हूं। जीवन तो अधे से भी चल जाता है, जीवन अधे से भी चलता है। लोगों का अधा मतलब पीने की बात कर रहे हैं। ये साला लाल शर्ट वाला कहां से आ गया? लालू कहीं का। अबे अधा मतलब आधी रोटी आधा कपड़ा, इससे भी जीवन चलता है, पूरे की लालच मत करो। आधा आधा जीवन साधा, बोल मेरे साथ जय मां राधा। भक्तजनों, वैसे काम तो क्वार्टर से भी चल जाता है, हम जैसे महापुरुष तो अपना काम क्वार्टर से ही चलाते आए हैं। काम जो है क्वार्टर से भी चल जाता है। तो किसी ने कहा क्वार्टर मतलब प्रभु, अब तो आप मां कसम पीने की बात कर रहे हैं। इसका कपड़ा फाड़ दो, ये बहुत लफड़ा कर रहा है कपड़ा पहन के आया है। जब तक इसका कपड़ा नहीं, अबे क्वार्टर मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर, हमको बंगले की ख्वाहिश नहीं है, भले इलाहाबाद के, लेकिन हमारे बम्बई में कौनो बंगला नहीं है क्वार्टर रोड पे। तो सुना करो भाई, क्वार्टर मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर, हमको बंगले की ख्वाहिश नहीं है, हम तो बहुत गरीबी से जीवन जी सकते हैं। तुम तैयार रखना आशीर्वाद। भक्तजनों, माया क्या है? तो उसने कहा क्या है, अब सही सवाल किया, क्या है माया? यूपी में आके देख, हम इलाहाबाद वाले अच्छी तरह से जानते हैं कौन है माया। माया क्या है? एक बार वाली छोकरी। लोगों का बार वाली छोकरी, अबे शरीर के बाहर वाली छोकरी जो शरीर के अंदर घुसती है तो हमको माया मोह में डाल देती है, हमको लालची बना देती है। शरीर अपना घर है, माया को कभी अपने घर में मत लाना, नहीं तो मेहरारू नाराज हो जाएगी। भक्तजनों, अब वो समझ गए प्रमोटर बाबा, वेरी गुड वेरी गुड। भक्तजनों, मन तो नहीं कर रहा है जाने का, परंतु नशे का वक्त हो गया है, नशे का वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूं। तो उसने कहा प्रभु, नशे का वक्त मतलब पीने जा रहे हैं आप? अबे प्रभु की भक्ति भी तो नशा है। अभी जाके जम के नशा करूंगा, फिर जल समाधि में चला जाऊंगा, कल इलाहाबाद में ही मिलूंगा। भक्तजनों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।